नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपनी ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक बहुत बड़ी प्रतिष्ठित हथेली है। क्यों कह रहा हूँ मैं प्रतिष्ठित हथेली? ये हथेली का विश्लेषण करते जाता हूँ, आप देखते जाइए और समझते जाइएगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा। सबसे पहले चलते हैं आपके मणिबंध पर। यहाँ पे ये वाला जो क्षेत्र है इसको मणिबंध का क्षेत्र कहते हैं और केतु का पर्वत इसे कहते हैं। केतु ग्रह से ये संबंध रखता है। ज्योतिष शास्त्र की अगर हम बात करें, चाहे वो क्लासिकल बुक है चाहे वो हमारे पौराणिक ग्रंथ हैं, उनमें इस क्षेत्र की महत्ता बहुत ज़्यादा दी गई है। ये क्षेत्र मोक्ष का कारक होता है, परिनिर्माण का कारक होता है और एक सिद्ध पुरुष इस गति को प्राप्त करता है जिसने अपने जीवन में उत्तम से उत्तम कर्म किए हों और जिसने जीवन में ईश्वर की कृपा प्राप्त की हो, उसका केतु हमेशा जो है प्रबल अवस्था में रहता है और अच्छे फल देने वाला रहता है और जीवन का अंत मोक्ष की प्राप्ति करवाता है, मुक्ति की प्राप्ति। ये आपके तीन जन्मों को बताता है, आपके पिछले जन्म के कर्मों को, आपके इस जन्म के कर्मों को, आने वाले जन्म के कर्मों को। निश्चित तौर पे इससे आइडिया ले सकते हैं आप और किस तरह से देखना है देखिएगा। यहाँ पे देखिएगा मणिबंध में ये पहली जो रेखा है गहरी है, लंबी है, सुंदर है, श्रेष्ठ है। न तो यहाँ पे तिल है, न धब्बा है इस रेखा पे, न कोई रेखाएं सीधी इस तरह से इसको काट रही हैं, कहीं पे नहीं काट रही हैं इस तरह से, ये अशुभ होती है, नहीं काट रही हैं। रेखा एकदम सुंदर है, स्पष्ट है। यह है स्वास्थ्य की रेखा। ये व्यक्ति के स्वास्थ्य, व्यक्ति के आरोग्य और तंदुरुस्ती के बारे में बताती है। ये बता रही है कि कहीं ना कहीं अपने जीवन का रूटीन इस प्रकार से रखेंगे, खान पान का समय या उसमें अनुशासन इस प्रकार से होगा कि आरोग्य के बारे में, तंदुरुस्ती के बारे में और स्वास्थ्य के बारे में आपको चिंता विमुक्त रहना चाहिए। मनी कोई बहुत बड़ी परेशानी, संकट में डालने वाली परेशानी नहीं रहेगी, इस मामले में आप भाग्यशाली हैं। यहाँ पे अगर दूसरी रेखा देखें, ये रेखा भी अत्यंत सुदृढ़ है, ये धन की रेखा है, ये रेखा संपत्ति की रेखा है और ये रेखा ज़्यादातर करियर और धन की रेखा से संबंध रखती है। लेकिन इस टाइम करियर और धन की रेखा आपकी है नहीं, लेकिन आधा अधूरा है, वो मैं बताऊंगा उस पे आके। लेकिन आपकी संपत्ति की रेखा बहुत अच्छी है, आर्थिक रूप से परेशान रहने वाली चीज़ें नहीं रहेंगी। मनी आर्थिक जो मामला है, पैसे रुपए का जो मामला है, जीवन भर अरबपति खरबपति का तो नहीं कहूँगा मैं कि अरबपति योग हैं खरबपति योग हैं, वो नहीं है, खरबपति और अरबपति योग तो नहीं है। लेकिन धन इस प्रकार से रहेगा, चाहे किसी रूप में भी आए, कि जीवन में धन के मामले में परेशानी नहीं आएगी। जहाँ पे ज़रूरत होगी उसके मुताबिक धन आपके पास आ जाएगा। परेशान करने वाली या किसी के आगे हाथ फैलाने वाली या कहीं पे लज्जित होने वाली चीज़ें नहीं होंगी धन के मामले में, कहीं ना कहीं लक्की रहेंगे। तीसरी रेखा देखें, ये भी पतली है लेकिन स्पष्ट है यहाँ पे, और ये रेखा होती है सुख की रेखा। आपको अपने जीवन काल में छोटी मोटी परेशानियाँ, छोटी मोटी दुविधा, चिंताओं को छोड़ करके अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का, अपने ऐश्वर्य का, ऐसी चीज़ों भोगने का सुख मिलेगा। मनी सुख है आपके भाग में, आपकी जीवन में सुख है और इसकी आप अनुभूति करेंगे,
स्वास्थ्य धन और ऐश्वर्य का सुख भोगेंगे जीवन पर्यंत। अब देखिएगा ये चीज़ें बता दी हैं, ये चीज़ें ये भी कहती हैं कि व्यक्ति ने पूर्व जन्म में बहुत उच्च कर्म किए हैं, बहुत बड़े उच्च कर्म आपने अपने पूर्व जन्म में किए हैं। उच्च कर्म किए का मतलब क्या है कि उस जन्म में भी आपकी मनुष्य योनि थी और उन उच्च कर्मों की वजह से, उन श्रेष्ठ कर्मों की वजह से आप इस जन्म में भी मनुष्य योनि में प्राप्त हुए हैं और एक सुंदर कुल में आपका जन्म हुआ है। और उन उच्च कर्मों की वजह से इस जन्म में भी कहीं ना कहीं उच्च कर्मों की ओर आप गए हैं और अच्छी विद्या आपको मिली है, नॉलेज के रूप में और पढ़ाई लिखाई के रूप में अच्छा धन आपने प्राप्त किया है और आगे भी करेंगे, आगे भी अच्छे धन मिलेगा आपको। माने एक सात्विक धन, किसी से लूटा हुआ, किसी से लूट खसोट या मारपीट किया हुआ धन नहीं, अपनी मेहनत, अपने खून पसीने से कमाया हुआ धन, अपनी योग्यता, अपनी क्वालिटी से धन कमाया है और इसका सुख भोगेंगे पूर्व जन्म के कर्मों के कारण। और इसके कारण आप इस जन्म में भी ऐसे कर्म करेंगे कि कहीं ना कहीं आपको अंत में मोक्ष की प्राप्ति होगी, श्री हरि के शरणागति में जाएंगे। जो एक सिद्ध जनों को, एक संत महात्माओं को, एक पहुँचे हुए दिव्य आत्मा को जिसका मौका मिलता है वो आपको आपके उच्च कर्मों के कारण मिलेगा। और अगला जन्म जो होगा या तो जन्म मरण से मुक्त हो जाएंगे या होगा तो श्रेष्ठ कुल में आपका जन्म हो जाएगा। कोई अगर इच्छा रह जाती है, किसी भी प्रकार की लालसा रह जाती है, तो फिर भी श्रेष्ठ कुल में आपका अगली बार जन्म होगा। ये आपकी हथेली की ये श्रेष्ठ रेखाएं कह रही हैं। अब एक चीज़ और है, केतु पर्वत पर ही जो आपकी दिव्य आत्मा के बारे में कुछ कह रहा है। देखिएगा ये रेखा यूँ जारी है, ये रेखा यूँ जारी है, ये रेखा यूँ जाती हुई दिखाई दे रही है, ये रेखा यूँ जाती हुई दिखाई दे रही है। मछली का एक जोड़ा है यहाँ पे, ठीक है, केतु पर्वत पे है। केतु पर्वत पर मछली का जो फलादेश निकलता है वो धन नहीं देता है, ठीक है ना। लेकिन ज़्यादातर प्रैक्टिकल रूप से अगर देखें तो ऐसे व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं और जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे अध्यात्म के क्षेत्र में ये लोग डीपली चले जाते हैं। माने आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति इनके अंदर से हो जाती है, जो छठी इंद्री है इनकी वो कहीं ना कहीं जागृत हो जाती है, कल क्या घटने वाला है इसका आभास होने बैठ जाता है, ठीक है ना। इस तरह से धार्मिक होते हैं, किसी गुरु की शरणागति जाने की ज़रूरत नहीं होती, गुरु इनको खुद मिल जाता है। और ऐसे लोग चाहे संतान की तरफ से जाएं, चाहे अपनी मेहनत की तरफ से जाएं, कहीं ना कहीं बड़ी यात्रा करते हैं, विदेश तक की यात्रा करते हैं। और ऐसे लोगों को संतान का सुख, परिवार का सुख, कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलता है, सहयोग मिलता है और सुख मिलता है जब इनको चाहिए होता है, क्योंकि नारायण की कृपा आपके ऊपर होती है। और ये जहाँ देखे उसके अनुसार दृष्टिगत करे उसके अनुसार फल देता है। मछली गुरु की तरफ देख रही है, गुरु ज्ञान का कारक है, तो कहीं ना कहीं अध्यात्म के क्षेत्र में, धर्म कर्म के क्षेत्र में जो है प्रतिष्ठा पाएंगे, ठीक है ना, और उसमें आपको सफलता भी हासिल होगी। ये कहीं ना कहीं इस तरफ देख रहा है। अगर आप अभी अगर कहीं व्यापार की तरफ जाना चाहते हैं तो उसमें भी आपको यश मिलेगा, सफलता मिलेगी, बहुत बड़ी ना मिले लेकिन संतुष्टि देने वाली सफलता मिलेगी। आपके हाथ में निरंतर आपके द्वारा कमाया हुआ पैसा है, किसी से मांगेंगे नहीं, स्वाभिमानी है और आपका स्वाभिमान ईश्वर वो परमात्मा हमेशा बनाए रखेगा। और बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली चीज़ें हथेली में नहीं आएंगी, जीवन के आयामों में नहीं आएगा,
ये आपकी हथेली बता रही है। अब यहाँ पे देखें, एक रेखा यहाँ से यूँ जा रही है, एक रेखा यूँ जा रही है, एक रेखा यूँ जा रही है, एक रेखा यूँ जाती हुई दिखाई दे रही है। अभी पुष्ट नहीं हुई ये रेखाएं, केवल क्या है, आभास हो रहा है। ये रेखा अगर पुष्ट होती है, शनि पर्वत पे जाती है, तो कहीं ना कहीं चाहे कोई भी स्रोत किसी भी तरह से बन जाए, आपके धन में वृद्धि होगी। ये रेखा स्पष्ट होकर जब भी सूर्य पर्वत पे जाएगी, सूर्य के गुणों में वृद्धि करेगी, और उस समय, और वो समय बहुत नज़दीक है, हो सकता है 2.5 महीने का हो सकता है 2.5 साल का हो सकता है 4 साल का हो, लेकिन कहीं ना कहीं धन में कोई स्रोत बनेगा, वृद्धि होगी। किसी भी प्रकार से कोई भी कंडीशन बन सकती है। सूर्य के गुणों में वृद्धि कर रही है मान सम्मान प्रतिष्ठा, और यश में वृद्धि होगी, कहीं ना कहीं सरकार द्वारा लाभ की प्राप्ति होगी। ये बुध पे जा रहे हैं, वैज्ञानिक सफलता में सहयोग करती हैं, या व्यापार में व्यक्ति होगा तो व्यापार में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी सफलता हासिल होगी, इस चीज़ की ओर ये इंगित कर रही है। ठीक है, अब थोड़ा देखिएगा, यहाँ पे एक रेखा इधर जा रही है, एक रेखा इधर जा रही है। एक तो जल्दबाजी में मस्तिष्क से फैसला ना लें करियर और धन के मामले में, दूसरा भावनाओं के वशीभूत आकर धन और करियर के मामले में कोई फैसला ना ले, ये नुकसान देने वाला हो सकता है, इसकी और ज़्यादा सचेत रहना है। ठीक, अब एक चीज़ और है जो नेगेटिव है, उसको पॉजिटिव करना है, अभी शुरुआत है, अभी इसको ख़त्म करना है। यहाँ पे देखेंगे पूरी हथेली में गौण रेखाओं का जाल कहीं ना कहीं हथेली में बनना शुरू हो गया है, और ये व्यक्ति के वर्तमान समय को दिखाता है, इसे नेगेटिव माना जाता है। देखिएगा, हमारी जो हथेली है ना, उसकी जो नसें हैं, कोशिकाएं हैं, वो हमारे दिमाग से मिली रहती है, और जो खून का संचार है ना, वो प्रॉपर तरीके से इन कोशिकाओं में होता रहता है। जब हमारे मन मस्तिष्क में कुछ उलझन आने बैठ जाती है, तो तब ये रेखाएं हथेली में दिखनी शुरू हो जाती हैं। जब हम किसी चीज़ को लेके बहुत गहराई से सोच रहे होते हैं, डीपली सोच रहे होते हैं, और उस चीज़ में कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन आ जाए, उलझन आ जाए, जो डिसीजन लेने की क्षमता है उसमें कहीं ना कहीं कमी आने बैठ जाए, तब ये रेखाएं जन्म लेती हैं। और इन रेखाओं का सबसे पहला प्रभाव मन और मस्तिष्क पे पड़ता है, दूसरा इसका प्रभाव स्वास्थ्य पे पड़ता है, शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य पे। कहीं ना कहीं शारीरिक रूप से जो व्यक्ति की इम्यूनिटी है, जिसको हम प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं, उसमें ये कमी करने का काम करता है। जो व्यक्ति की मानसिक स्थिति है, उसमें जो सरलता सहजता रहती है, उसमें ये तनाव देने की कोशिश करता है। और इस मामले में आर्थिक रूप से आपको कमज़ोर करने का ये कार्य करती है। कहीं ना कहीं हथेली में कितना भी पैसा आ जाए, हथेली में पैसा टिकना थोड़ा मुश्किल सा हो जाता है, और बेवजह के खर्चे जन्म लेने बैठ जाते हैं, और कहीं ना कहीं इस कारण व्यक्ति आर्थिक रूप से परेशान होने बैठ जाता है। आपका जो डेवलपमेंट है, आपकी जो प्रोग्रेस है, उसको ये तीव्र गति से बाधित करने का कार्य करती है, और इसका प्रभाव रिश्तों पर भी पड़ता है, चाहे वो पारिवारिक रिश्ता हो, चाहे वो पिता पुत्र का रिश्ता हो, चाहे वो दाम्पत्य जीवन का रिश्ता हो, चाहे आपके सामाजिक रिश्ते हों, चाहे आपके जो है कोई भी रिश्ता हो, उसमें इसका प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है, और सफलता के स्तर को, व्यक्तित्व के स्तर को ये घटाने का काम करता है। क्या करना चाहिए इसके लिए? योग ध्यान क्रिया इसके लिए जरूर करनी चाहिए, और प्राकृतिक क्रिया इसके लिए जरूर करनी चाहिए। अगर आपने योग ध्यान क्रिया और प्राकृतिक क्रिया कर ली, बहुत जल्दी ये नेगेटिव ऊर्जा हथेली से निकल जाती है, और जीवन में व्यक्ति को उत्साह, ऊर्जा और खुशियों की ज़्यादा प्राप्ति हो जाती है। तो ये चीज़ करने में कोई दिक्कत नहीं है, आधा मिनट, 5 मिनट,
आप योग ध्यान क्रिया कर सकते हैं, बहुत सरल होती है और दिमाग को बहुत सुकून देने वाली होती है। करके देखिएगा, आप खुद कहेंगे कि मैंने क्या चीज़ पाई है, ये बहुत सुंदर चीज़ है योग ध्यान क्रिया। मैं दूंगा आपको ऑडियो के माध्यम से। अब यहाँ पे देखिएगा, ये आपका गुरु का पर्वत है, आचार्य बृहस्पति जी का, ठीक है। इसमें जो उंगली बन रही है, कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से झुक रखी है, कर्व ले रही है और आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। ये बता रही है कि आपके अंदर बड़ी मात्रा में धार्मिक भावनाएं हैं, कहीं ना कहीं उदार दिल वाले व्यक्ति हैं, दयालु व्यक्तित्व आपका है, परोपकार की भावना भी आपके अंदर है। और श्रेष्ठता है ये है कि अपनी ही बातों को निर्वहन करने वाला व्यक्तित्व भी है आपके अंदर है। क्रूरता निष्ठुरता जीवन पर्यंत नहीं आएगी, आपको टच भी नहीं कर पाएगी। कहीं ना कहीं मन के सुंदर कोने में सुंदर सा दयालुता की जो भावना है वो बैठी रहेगी, ये बता रहा है। और इसका प्रभाव आपके परिवार में कहीं ना कहीं पड़ेगा। अब ये उंगली देखें, ये बीच की उंगली है और ये हल्की तरफ से यहाँ झुक रही है और लंबी है, मेहनती है। चाहे मानसिक मेहनत हो चाहे शारीरिक मेहनत हो, मेहनत करने में कायरता नहीं है। और जानते हैं, जब हम जीवन में मेहनत करेंगे, जब हम जीवन में परिश्रम करेंगे, तभी हमें अपने जीवन काल में सफलता की प्राप्ति होगी, सुख की प्राप्ति होगी, प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। और ये बृहस्पति की तरफ झुकता है तो ऐसे लोग जो मानसिक कार्य है या जो बैठने का कार्य है, मनी बहुत ज़्यादा दौड़ा धोपी वाला कार्य नहीं करते हैं जीवन काल में, इस चीज़ को ये दिखाता है। और ऐसा व्यक्ति बड़ा एनालिसिस करके अपनी बुद्धि का पूरा प्रयोग करके किसी भी कार्य में हाथ डालता है, ये आपके अंदर खूबी है, शनि की वजह से अच्छी खूबी है आपके अंदर। वरना मैंने कई हाथ देखे तो शनि की प्रकोप ही दिखाई देता है, लेकिन आपके क्षेत्र में ये ठीक उल्टा कर रहा है, अच्छी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पे सूर्य की उंगली देखें, ये भी पूरी तरह से झुक रखी है इस तरह से, और यहाँ पे शनि की तरफ है। यश पाने की इच्छा हमेशा बनी रहेगी, चाहे कितना भी प्रतिष्ठा आपको मिल जाए, कितना भी यश मिल जाए, फिर भी वो इच्छा हमेशा रहेगी। अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा हमेशा बनी रहेगी और ये अच्छी भी बात है। हाँ, आपकी अगर देखें, आपकी ये रेखा, ये उंगली थोड़ी सी बड़ी है। कहीं ना कहीं शास्त्र कहता है कि ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में यशस्वी होते हैं, समाज में मान प्रतिष्ठा यश पाने वाले होते हैं, नेम फेम पाने वाले होते हैं और सफल होते हैं ऐसे व्यक्ति। ये बहुत अच्छा है, आपकी सूर्य की उंगली अत्यंत सुंदर है। यहाँ पे बुद्ध की उंगली भी पूरी तरह से झुकी हुई है सूर्य की तरफ। धन कमाने की जो ललक है आपके अंदर ताउम्र जीवन पर्यंत बना रहेगा। अब यहाँ पे देखें तो ये इसके पहले पौर्व तक साफ पहुँच रही है, ये और भी अच्छा है। प्रैक्टिकल रूप से जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, देखेगा ये बुद्ध का पर्वत है, इस पे ये उंगली है, चाहे मुड़े चाहे सीधी खड़ी हो, लेकिन इस उंगली के पहले पौर्व तक पहुँच रही हो। तो ऐसा व्यक्ति आपको ज़्यादातर व्यापारी वर्ग का व्यक्ति मिलेगा प्रैक्टिकल रूप से। अगर ऐसा व्यक्ति व्यापार न कर रहा हो, नौकरी कर रहा हो, चाहे प्राइवेट क्षेत्र में हो चाहे सरकारी क्षेत्र में हो, ऐसा व्यक्ति आपको उच्च पदस्थ मिलेगा, मानी अधिकारी लेवल का व्यक्ति मिलेगा। क्योंकि ये 100% मैंने देखा है, बहुत सारी हजारों हथेलियों का मैंने अध्ययन कर लिया है, लेकिन ऐसी उंगली वाले व्यक्ति मैंने निश्चित देखे हैं। क्योंकि इन लोगों की जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, वो कम्युनिकेशन जो पावर है बहुत ज़्यादा होता है, वो स्किल्स अच्छी होती है। दूसरी बात है, ऐसा व्यक्ति आपको उच्च वर्ग का व्यक्ति दिखेगा, श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्ति दिखेगा ऐसा व्यक्ति। क्यों?
क्योंकि ऐसे जो लोग होते हैं अपने बलबूते पर कुछ करने वाले होते हैं, और यही गुण आप में इसके कारण सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में है। अब एक राजयोग आपकी हथेली में बन रहा है जिसका फायदा आपको जीवन में 101% मिला है, और ये मेरी रिसर्च है, ये किसी किताब में नहीं लिखा है। मैंने जो रिसर्च इसमें की है उसका जो फीडबैक आया लोगों से वो 100% आया है, 100% आया है और ठीक एक्यूरेट आया है। क्या राजयोग है, ये हमारी रिसर्च है, और आप भी देखिएगा और आप भी अपने हाथों को मिलाइएगा। देखिएगा जब ये उंगली चाहे खड़ी हो सीधी या झुकी हुई हो, इस उंगली के पहले पौरवे तक पहुंचती है। साथ में ये उंगली इस उंगली से थोड़ा हो या ज़्यादा हो, लंबी हो और इससे छोटी हो, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये बृहस्पति का पर्वत सुंदर और भव्य हो, तो ऐसे व्यक्तियों को राजयोग की प्राप्ति होती है। 99.9% मामले में ऐसे व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाले होते हैं। 1% अगर ऐसे व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य नहीं कर पाए, इसी वजह से कोई भी परिस्थिति हो सकती है, फिर ऐसे लोग ज़्यादातर व्यापार में जाते हैं, व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करते हैं और व्यापार के कारण ही इनकी पहचान होती है। कई लोग मैंने ऐसे देखे हैं, ऐसे लोग सरकारी नौकरी भी करते हैं, रिटायरमेंट होने पर व्यापार भी करते हैं, और ये राजयोग दोनों जगह इनका फल देता है। और नौकरी किस चीज़ में मिलती है ज़्यादातर ऐसे लोगों को, ये भी प्रैक्टिकल रूप से देखा हमने बृहस्पति के क्षेत्रों में। शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, इसमें अकाउंट आता है, इसमें जो है बैंकिंग आता है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं वाणिज्य में, और कानून का क्षेत्र है और राजनीति का क्षेत्र है। ऐसे क्षेत्रों में ऐसे लोगों को मुकाम हासिल होता है, ये 100% है, या तो व्यापार या तो नौकरी, और नौकरी बृहस्पति के क्षेत्र में ज़्यादातर 99.9% मामले में यही होता है। और ये राजयोग जीवन पर्यंत चलता है, कहीं ना कहीं सुख देने वाला होता है, और आपकी हथेली में है, बहुत सुंदर। अंगूठा अगर देखें पीछे की तरफ झुका हुआ है और शुक्र का पर्वत उठा हुआ है, शुक्र प्रधान व्यक्तित्व तो ऐसे लोगों का होता है, मानी भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ आकर्षित भी होते हैं, उसको पाने की ललक भी रखते हैं और पाते भी हैं। दूसरी बात, मिलनसार होते हैं, चुटकी बजाते ही सबको अपना बना लेने वाले ऐसे व्यक्ति होते हैं, एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व है, और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी आपका है। अब यहाँ पे देखिएगा, आपकी जो हृदय की लकीर है, ये हृदय की लकीर इस तरह से आती हुई यूँ जारी है, और यहाँ पे इस उंगली और इस उंगली के बीच में जारी है, और यहाँ पे जो है इसका प्रभाव पड़ रहा है, ये बता रहा है दोनों ग्रहों का बला बला रहा है कि जीवन काल में बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी आप रहे हैं, आपकी बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा रही है, और निरंतर जो आपकी सोच रही है वो सकारात्मक रही है, आगे बढ़ने की रही है, और अभी भी वही सोच बरकरार है। जो आपकी इच्छा रही है कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठतम टॉप लेवल तक पहुंचने की रही है, और इसमें आपने कहीं ना कहीं सफलता भी पाई है। शनि का प्रभाव पड़ रहा है, जिसके प्रभाव के चलते आगे बढ़ने के लिए ऐसा जातक जितनी भी मेहनत करनी पड़ती है करता है, ऐसा जातक जुगाड़ लगाना पड़ता है, समय के साथ जुगाड़ लगाता है, जो भी ऐसे जातकों से हो जाए करते हैं, और थोड़ा सा ऐसे जातक जो है भावुक भी होते हैं, मानी एक देवता के समान जिसको कहते हैं, इस प्रकार के ऐसे व्यक्ति होते हैं, हृदय के बड़े निर्मल होते हैं, यही आपकी हथेली कह रही है। अब यहाँ पे देखिएगा,
जीवन की रेखा जो इस प्रकार से है, यहाँ से एक रेखा जारी है, यहाँ से एक रेखा जारी है, एक ध्वज भी बना रहा है। इस मनुष्य जीवन का गुण तत्व क्या है, इस मनुष्य जीवन का सही अर्थ क्या है, हमारा जन्म किस उद्देश्य के कारण हुआ है, कहीं ना कहीं इस तरफ भी व्यक्ति का मन जाता है और रहस्यमय विद्याओं की तरफ भी व्यक्ति आकर्षित रहता है, लेकिन दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व तो रहता है ऐसे लोगों का, एनालिटिकल स्वभाव के रहते हैं, यही चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। मस्तिष्क रेखा अत्यंत दृढ़ है, सुदृढ़ है, बौद्धिक स्तर कमाल का है, और देखा जाए तो जीवन की रेखा इस तरह से यहाँ पे दिखाई दे रही है, इसके बारे में मैंने बात की। देखिए, एक तो ऐसे लोगों की जो उन्नति होती है, ज़्यादातर मामले में मैंने देखा है निरंतर उन्नति करते हैं और सफलता भी पाते हैं, लेकिन उसके पीछे गहरी मेहनत, संघर्ष और कई बार अस्थिरता का सामना छिपा रहता है, और अंत में जो कर्म करते हैं मोक्ष की प्राप्ति वाले करते हैं, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसके बारे में हमने बता दिया है। जीवन में जो है यात्राएं भी दिखाई दे रही हैं कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं आप करना चाहें तो यात्राओं का आपको मौका मिलेगा। शुक्र का पर्व, जिसको कला के लिए, सौंदर्य के लिए, सुंदरता के लिए और सुखद जीवन के लिए जाना जाता है, पुष्ट होना जरूरी होता है। आपकी हथेली में शुक्र सुंदर रूप में उभरा है, तेजोमय अवस्था में है, आप तेजस्वी हैं, आपका व्यक्तित्व भी अपने आप में सुंदर है, सुंदरता है, आकर्षण है, ये कहीं ना कहीं आपके अंदर है, और हर परिस्थिति को झेलने की क्षमता भी आपके अंदर है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना, नई चीज़ों के प्रति रुझान रहना, ये चीज़ें यहाँ पे देती हुई शुक्र दे रहा है। यहाँ पे आचार्य बृहस्पति को पुष्ट करना बहुत ज़रूरी है। जब शुक्र इस प्रकार से पुष्ट और सुंदर हो और आचार्य बृहस्पति थोड़ा सा धूमिल हो या दोषयुक्त हो, तो ऐसी स्थिति में किसी चीज़ को लेकर व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोच रहा होता है, चिंता भी कर रहा होता है, और बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी उसकी दृष्टि से देखें तो चीज़ों में वो सफलता कहीं ना कहीं अटकी हुई होती है। ऐसे में जो सुख है, शुक्र तो सुख देना चाहता है, चाहे परिवार का सुख हो, दाम्पत्य जीवन का सुख हो, शारीरिक सुख हो, मानसिक सुख हो, देना चाहता है, लेकिन जब ये साधारण रहते हैं तो कहीं ना कहीं उस सुख में हल्की कमी देखने को मिलती है। लेकिन जैसे ही अच्छे अवस्था में आएंगे, आपको परिवार का सहयोग मिलेगा, परिवार का सुख भी बहुत अच्छा मिलेगा और जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं का भी लाभ मिलेगा। यहाँ पे निम्न मंगल और ऊपरी मंगल दोनों बहुत अच्छे हैं, पराक्रम बहुत अच्छा रहने वाला है, एनर्जेटिक स्वभाव रहने वाला है आपका, इस चीज़ की ओर ये संकेत कर रहा है। ये बृहस्पति भी ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं नीचे की तरफ झुके हुए हैं और यहाँ पे हृदय रेखा को कुछ रेखाएं काट रही हैं। ऐसी स्थिति में परिवार को लेके कुछ चिंताएं उभर सकती हैं, इस बात का ये संकेत कर रहा है, या कोई ना कोई पारिवारिक परेशानी आ सकती है आंशिक रूप से, थोड़ा सजग रहने की आवश्यकता यहाँ पे दिखाई दे रही है। शनि का पर्व बहुत अच्छा है, कर्म का जो फल है वो तुरंत मिलने वाला है। सूर्य की बात करें, इसमें त्रिकोण बनता हुआ दिखाई दे रहा है और दो सुंदर रेखाएं हैं, पुत्र का सुख, यश की प्राप्ति और धन का लाभ, ऐसे लोगों को अपने जीवन काल में मिलता ही मिलता है और जीवन पर्यंत मिलता है। परेशान करने वाली बात धन के मामले में नहीं रहती है, यश की प्राप्ति होती है, मान प्रतिष्ठा व्यक्ति की रहती है और संतान सुख मिलता है, चाहे वो बेटी हो बेटा हो, मनी सेवा भावी ऐसे लोगों के पुत्र होते हैं, कहीं ना कहीं जरूरत पड़ने पे, वक्त पड़ने पे ऐसे लोगों की सेवा हो जाती है। लेकिन अभी सूर्य पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा है,
इसके लिए थोड़ा सा सूर्य की पूजा करनी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे शानदार तरीके से मस्तिष्क रेखा और हृदय की रेखा के बीच एक कट दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में जो छठी इंद्री है आपके मन जिसे कहते हैं, वो इंद्री कहीं ना कहीं एक्टिव होती हुई दिखाई दे रही है, जिसका फायदा आपको हो जाएगा। धर्म कर्म के मामले में देखा जाए तो बहुत डीपली आत्म साक्षात्कार जिसे कहते हैं प्राप्त हो जाएगा। हो सकता वाक सिद्धि की प्राप्ति हो, जिसको जो बोल दिया वो चीज हो के रहेगी, और आभास हो जाएगा क्या घटने वाला है, चाहे सपने के माध्यम से हो चाहे दिल के माध्यम से हो, आभास हो जाएगा और ये अच्छी चीज है। बुद्ध का पर्वत देखें, बुद्ध अत्यंत सुंदर है आपका, जहाँ त्वचा खूबसूरत रहेगी, पर्सनालिटी अच्छी रहेगी, भौतिक सुख सुविधाएं भी रहेंगी और वाणी की शक्ति भी बहुत अच्छी रहने वाली है। चंद्रमा थोड़ा वर्तमान में खराब है और कुछ टाइम तक ये नेगेटिव प्रभाव देगा, कुछ टाइम तक हो सकता है मन को गड़बड़ रख सकता है, हो सकता है मानसिक परेशानी कहीं ना कहीं दे सकता है, इसकी संभावना है कुछ समय तक। कभी कभी भावुकता भी देगा ये, या इमोशनली परेशान रह सकते हैं, इसकी संभावना भी है। कभी कभी चंद्रमा की वजह से मन अच्छा नहीं रहेगा, मन खराब सा रहेगा, कामों में मन नहीं लगेगा, और मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसीलिए मन सही नहीं होगा तो कहीं ना कहीं हार्मोनल सिस्टम में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है और पेट की दिक्कतें आ सकती हैं, थोड़ा ध्यान रखना चाहिए चंद्रमा का। और चंद्रमा थोड़ा खराब अगर ज़्यादा होता है तो नींद आने में थोड़ी सी दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ेगा। इसके लिए मैं एक उपाय दे रहा हूँ, आप विधिवत तरीके से वो उपाय करें, निश्चित ही आपको बहुत अत्यंत शुभ लाभ होगा। आपको तो करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन केवल ये भाग थोड़ा सा परेशानी दे रहा है, करिएगा बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और जीवन में राजयोग का सुख जीवन पर्यंत आपका है और हमेशा रहेगा इसका सुख, तो आपको सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में बस इतना ही, एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।